नवागत मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने गुरुवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर 2003 बैच के आईएएस हैं। इससे पूर्व वे अपर निदेशक एसजीपीजीआई में सचिव आयुष विभाग में तैनात रहे। गौरतलब है कि निवर्तमान कमिश्नर को इस वर्ष की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका जाना था, जिसको देखते हुए निर्वाचन आयोग ने जयंत को गोरखपुर मंडल की जिम्मेदारी सौंपी है। चूंकि इन दिनों लोकसभा का चुनाव होना है, इसको देखते हुए नवागत मंडलायुक्त की जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके अतिरिक्त जो भी योजनाएं संचालित हो रही हैं, उसका सकुशलता पूर्वक संपादन और मतदान प्रतिशत बढ़ाना भी उनकी प्राथमिकता में शामिल है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवागत मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, दोनों दो चीज़ ये जिम्मेदारी बहुत ही सेंसिटिव समय में सरकार द्वारा दी गई है, तो ये हमारा दायित्व है कि इस मंडल की पूरी टीम के साथ हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। ये तो प्रथम प्राथमिकता है ही, और उसके साथ साथ और भी जो दायित्व हैं पद के, उनको पूर्णतः निर्वाह करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और इसके लिए यहाँ की चारों जिलों की जितने लोग हैं उन सबका सहयोग का, मीडिया का, सभी अधिकारियों का, सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग की मैं कामना करता हूँ। हाँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद है, उसके कारण भी हमारी मॉनिटरिंग और इस पर ज़्यादा जोर रहेगा, विकास की जो भी योजनाएं हैं। किंतु अभी आचार संहिता लगी हुई है, तो उसको देखते हुए और उसके नियमों के अधीन जो भी कार्रवाई की जानी है, हम अति शीघ्र समयबद्ध तरीके से और गुणवत्तामूलक कार्य पर बल देने की प्रयास करेंगे। मेरी जो सुबह बात हुई थी, बिकॉज कल शाम को ये ऑर्डर आया है, और वोटर अवेयरनेस पर हम और भी काम करेंगे, और हम बिकॉज अभी मतदान पोल डे में काफ़ी टाइम है, क्योंकि गोरखपुर का प्रथम द्वितीय तृतीय चरण में नहीं जबकि लास्ट में है, तो हमारे पास काफ़ी समय है। और मेरी आशा है कि हम लोग का जो प्रयास है और आप लोगों के सहयोग से इस बार हम वोटर टर्नआउट को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, ज़्यादा बढ़ाएंगे।